सो फाइनली एक ऐसी मूवी जो कि इंडियन सिनेमा की बाउंड्रीज को पुश कर सकती है, यानी कि मच अवेटेड मूवी ऑफ इंडियन सिनेमा कल की 2898 AD का फाइनली रिलीज डेट आ चुका है। एंड इसी के साथ उन्होंने प्रभास का एक पोस्टर भी रिलीज किया जो कि देखने में काफी कूल लग रहा है। और इन सबसे भी ज्यादा इंप्रेसिव है इस मूवी के प्रमोशंस, कितने नेक्स्ट लेवल पे इस मूवी के प्रमोशंस किए जा सकते हैं तुम इमेजिन नहीं कर सकते। इंडियन सिनेमा के अंदर ऐसी कोई भी मूवी नहीं है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसका इस तरह से प्रमोशन किया गया हो। इस तरह की मार्केटिंग तो SS राजामौली भी अपनी मूवीज की नहीं करते। सिंपल शब्द में कहूं तो हॉलीवुड लेवल मार्केटिंग। पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रमोशनल कैंपेन की, उसके बाद अपन बात कर लेंगे इस मूवी के पोस्टर की। कल की मूवी की मार्केटिंग टीम और इस मूवी के डायरेक्टर ने क्या दिमाग लगाया है बॉस, मानना पड़ेगा। पिछले साल कॉमिक कॉन ने अपनी मूवी को अनाउंस किया और वहीं पे एक ग्लिम्स भी ड्रॉप किया, और ऐसा कोई छोटा मोटा ग्लिम्स नहीं निकाला जिसे सिर्फ तुम्हें स्केल पता चल सके मूवी का या फिर थोड़ा बहुत टीज कर दिया गया। प्रॉपर ग्लिम्स निकाला जहां पे तुम्हें कैरेक्टर्स के फर्स्ट लुक देखने को मिलते हैं और तुम्हें चीजें समझ में आती है कि काफी प्रॉमिसिंग चीजें बनाई हैं लोगों ने और डिलीवर करेंगे। कॉमिक कॉन इस मूवी के लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बना ताकि लोग इंटरनेशनल ऑडियंस को भी गैदर कर सके। हालांकि उनका इंटरनेशनल ऑडियंस को रीच करने का, टारगेट करने का प्लान तो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल जरूर हो सकता है, क्योंकि उसी दिन प्लेनेट ऑफ द एप सीरीज की अगली मूवी 9 मई को रिलीज होगी सेम डे पे। तो इंटरनेशनल ऑडियंस को गैदर करने में इस मूवी को काफी प्रॉब्लम्स आएंगी और एक कह सकते हो कॉम्पिटिशन भी हो जाएगा इस मूवी के लिए। तो खैर, कमिंग बैक टू दिस प्रमोशनल कैंपेन, तो सबसे पहले इन लोगों ने रिलीज डेट को अनाउंस करने के लिए एक काउंटडाउन रखा, और वो भी कोई नॉर्मल सा काउंटडाउन नहीं था। एक स्पेशल वेबसाइट पे तुम जाओगे तो तुम्हें थोड़े बहुत डेट्स और नंबर्स दिखेंगे जो कि पहले देखने में बहुत कंफ्यूजिंग है, पर उनको थोड़ा टाइम दोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि एक्चुअली में ये नंबर्स कोई नॉर्मल नंबर्स नहीं है, ये एक्चुअली में काउंटडाउन है 2024 से लेके 2098 तक। और जब ये काउंटडाउन 2898 जो कि इस मूवी का टाइमलाइन होने वाला है वहां तक पहुंचोगे तो तुम्हें एक रिलीज डेट मिलेगी उसी प्रभास के पोस्टर के साथ। और जब ये काउंटडाउन खत्म होता है तो इनका प्रमोशनल कैंपेन एक स्टेप और ऊपर जाता है, और इनके जो रेडर्स हैं यानी कि इस मूवी के अंदर जो इनके विलन्स होने वाले हैं उनके सोल्जर्स जिनको रेडर्स कहा जाता है, इन रेडर्स ने पूरे इंडिया में प्रमोशन शुरू किया इस मूवी को लेकर। हैदराबाद, दिल्ली, मदुरई, काशी, बैंगलोर, वाइजैक, चेन्नई, चंडीगढ़, जहां इन सभी बड़ी सिटीज में इन रेडर्स ने ऑडियंस का बहुत अच्छा अटेंशन गैदर किया जो कि मूवी की काफी हेल्प करने वाली है उसकी रिलीज के टाइम पे। और अगर इतना सब तुम्हें नॉर्मल लग रहा है तो इन लोगों ने ना सिर्फ इन सिटीज में बल्कि कश्मीर और शाहरुख खान के घर के बाहर मन्नत के सामने भी इस मूवी का प्रमोशन किया। और तुम खुद ही सोचो अभी मूवी को रिलीज होने में 4 महीने बाकी है, मतलब पूरी हॉलीवुड लेवल की स्ट्रेटजी है। इनका पहला ग्लिम्स यानी कि टीजर कह सकते हो वो रिलीज के 10 महीने पहले आया था और अभी रिलीज को 4 महीने बाकी है, और इनका प्रमोशनल कैंपेन मतलब किसी भी नॉर्मल मूवी से बहुत तगड़ा चल रहा है। मतलब अगर तुम किसी भी नॉर्मल इंडियन सिनेमा की मूवी को उठा लो तो उसके रिलीज के टाइम पे लगभग इसका आधा प्रमोशन करते हैं वो लोग, और अभी तो इस मूवी को रिलीज में 4 महीने बाकी है, तो सोचो किस लेवल का प्रमोशन हो रहा है यहाँ। और कहीं ना कहीं ये सारा प्रमोशनल कैंपेन इस मूवी को रिलीज के टाइम बेनिफिट करेगा ही, और इन सब चीजों को देख के तो यही लग रहा है कि भाई अब नाग अश्विन भैया बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। अब रिकॉर्ड टूटे ना टूटे वो तो बात की बात है, लेकिन एक चीज जरूर श्योर है कि ये मूवी इंडियन सिनेमा की बाउंड्रीज को जरूर पुश करेगी जैसा अपने टाइम पे बाहुबली सीरीज ने किया था। अब बात करें इस रिलीज डेट के साथ इस पोस्टर की जो कि तुम बैकग्राउंड में देख सकते हो, तो ये पोस्टर देखने में तो काफी कूल लगा था मुझे स्टार्टिंग में, क्योंकि एक्चुअली में है कूल। इस सूट का अपर पोर्शन काफी ज्यादा वेल डिजाइंड, वेल डिटेल्ड और टैकी फील होता है, वहीं अगर इस सूट का तुम लोअर पोर्शन देखोगे तो एक नॉर्मल कार्गो सी पैंट लगती है, मतलब उसमें लोगों ने कुछ खास क्रिएटिविटी दिखाई है। हालांकि मुझे उससे कोई कंप्लेन नहीं है क्योंकि ओवरऑल लुक देखने में काफी सही लग रहा है, प्रभास के ऊपर सूट भी करता है ये लुक। हालांकि इस सूट की सबसे कूल चीज जो मुझे लगी वो है इस सूट के थ्रस्टर्स जो कि इसके पैरों में लगे हुए हैं, मतलब ऐसा कुछ तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक किसी भी मूवी में देखा नहीं है और देखने में काफी कूल और इनोवेटिव सा फील होता है, तो इट एक्चुअली मेक्स मी एक्साइटेड फॉर इस मूवी। बाकी आप इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्या ये मूवी बाहुबली 2 के 1700 करोड़ का मार्जिन टच करेगी या उसे तोड़ देगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब अगर आप प्रभास की अपकमिंग मूवीज की लाइनअप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बात करी प्रभास की अपकमिंग मूवीज के बारे में। तो खैर यही था एक छोटा सा वीडियो, मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।